बिहार में। मैं आपके साथ स्क्रीन पे खड़ी हूँ रूपा चंद्रवंशी। बता दें कि आपसे पहले हिंदुस्तान में कोरोना से बचने के लिए टैबलेट का निर्माण हुआ था, लेकिन अब भारत की कंपनी ने एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर के जेनरिक वर्जन को कोबीफोर नाम से बेचा जा रहा है और ये दवा इंजेक्शन के तौर पर मरीजों को दी जाएगी, लेकिन सिर्फ उन्हीं मरीजों को दी जाएगी जो कि कोरोना के गंभीर खतरों से जूझ रहे हैं। हालांकि गर्भवती महिला और किडनी की मरीजों को यह इंजेक्शन किसी भी सूरत में नहीं दी जाएगी। देखिए एक रिपोर्ट आपके सामने। टैबलेट के बाद अब आ गया इंजेक्शन। भारत को मिल गई कोरोना की एक और दवा। रामबाण साबित होगा एंटीवायरल रेमडेसिविर। महीने के अंत तक आएगी महामारी की मौत। भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा इंजेक्शन। कोरोना का काल बनेगा कोविफोर। कोरोना वायरस से जंग में जुटी भारतीय दवा कंपनियां लगातार कामयाबी की बुलंदियां छू रही हैं। भारत में कोरोना वायरस की एक और दवा को मंजूरी मिल गई है। दवा बनाने वाली कंपनी हेटेरो का कहना है कि वह कोविड-19 के इलाज के लिए इन्वेस्टिगेशनल एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर को लॉन्च करने जा रही है। कंपनी पहले ही ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DGCI से मंजूरी ले चुकी है, जिसे भारत में कोविफोर के नाम से बेचा जाएगा। I am Poonam. KK News Desk बिहार से। मैं ही आती हूं आपके लोकप्रिय चैनल KK News Desk बिहार पर खबरों को लेकर। तो मेरे खबरों को मिस ना करें और मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। बाय।